Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 18th of May 2021, Tuesday. Inspiration of the day is Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. In today's discussion, we are going to cover these articles. So, let's start with article number one given on page number one WTI inflation hits 11 year high in April. अभी रिसेंटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज हुआ था और उस डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल के महीने में जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो पिछले मंथ्स के कंपैरिजन में डाउन हुई थी इट वाज अप्रॉक्सीमेटली फोर परसेंट बट एज पर द करंट डेटा ऑन होल सेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन दैट इज़ डब्ल्यू पी आई टर्स द इलेवन ईयर हाई ऑफ 10.49% in the month of april and that was mainly due to a sustained rise in fuel prices and commodity prices and if wpi inflation is crossing the double digit so that is completely signaling a build up in inflationary pressure तो सी पी आई फोर परसेंट हो रहा है डब्ल्यू पी आई जो है वो डबल डिजिट को क्रॉस कर रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन में डिफरेंस दिख रहा है ये बिकॉज़ ऑफ कोविड नाइन्टीन और जिस तरह से फ्यूल और कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं एक तो फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वजह से जो डब्लू पी आई इंक्रीज़ हो रहा है वो भी है दूसरा कोविड नाइन्टीन की वजह से जो डिमांड और सप्लाई मिसमैच क्रिएट हुआ है उसकी वजह से भी कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अगर अप्रैल के मंथ में डब्ल्यू पी आई टेन पॉइंट फोर नाइन परसेंट है तो इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन ये है कि आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशनरी प्रेशर इवन द रिटेल इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है अगर हम इस डेटा को बहुत केयरफुली एग्जामिन करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये हमें 11 ईयर का हाई दिख रहा है दैट इज़ 10.49 पॉइंट फोर नाइन परसेंट का जो हमें हाई दिख रहा है इन डब्ल्यू पी आई दैट ऑल्सो और दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ लो बेस इफेक्ट लो बेस इफेक्ट मीन्स अगर अप्रैल 2020 के डेटा से कंपेयर करें तो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है क्यों क्योंकि अप्रैल 2020 में जबकि इंडिया वॉज अंडर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन द होल सेल इन्फ्लेशन हैड कम टू एट माइनस वन पॉइंट फाइव सेवन परसेंट तो सेम मंथ में लास्ट ईयर जो डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन थी होल सेल प्राइस इंडेक्स था वो माइनस में चला गया था माइनस टेरिटेरी में चला गया था बिकॉज ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ दिस लो बेस से अब उससे कम्पेयर करेंगे वो माइनस में था और इस समय ऐसा कोई नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगा तो जो भी इंक्रीज़ हो रहा है वो हमें और ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी उसको एक लो बेस से कंपेयर कर रहे हैं तो लो बेस का इफेक्ट भी दिख रहा है एज़ पर द फ्यू एक्सपर्ट्स द इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन डब्ल्यू आई हैज़ बिन राइजिंग सिंस मंथ ऑफ डिसम्बर जब से इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी तब से डब्लू पी आई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है अब मार्च के महीने में ही अगर हम देखें तो ये सेवन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट का रेट uh, से डब्लू पी आई इन्फ्लेशन थी एंड दैट वॉज द एट ईयर हाई और अब जो इन्फ्लेशन आई है डब्लू वो 11 साल में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है द डेटेस्ट नंबर इज़ द हाइएस्ट सिंस अप्रैल 2010 थाउजेंड टेन होल सेल डू होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है सीपीआई क्या होती है इसके लिए सेपरेट वीडियो है अगर आप चाहें तो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं अदरवाइज़ आई विल नॉट डिस्कस व्हाट इज सीपीआई व्हाट इज डब्बू हियर इन जनरल डब्ल्यू जो है बेसिकली वो गुड्स के एवरेज मूवमेंट प्राइस का जो एवरेज मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करता है बेसिकली जो होल सेलर्स होते हैं उनको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर कमोडिटी कितने रेट पर अवेलेबल हो रही है उसमें क्या उनके प्राइस में क्या एवरेज मूवमेंट है जैसे so, नाम से लग रहा है होल सेल प्राइस इंडेक्स तो होल सेलर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको जो प्रोडक्ट और कमोडिटी मिल रहा है उसके प्राइस में कितना एवरेज मूवमेंट हो रहा है बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स यही कैलकुलेट करता है एंड इट इज प्राइमरली यूज एज अ जी डी पी डिफ्लेटर वन एवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द जी डी पी नॉमिनल जी डी पी और द रियल जी डी पी तो उस समय जी डब्ल्यू पी आई को एज अ डिफ्लेटर भी यूज़ किया जाता है एंड एज़ पर द डेटा रिलीज बाई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन मंडे अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज uh, हुआ है फोर पॉइंट नाइन टू परसेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तो नाइन पॉइंट जीरो वन परसेंट तक जम कर गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑन बेस ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन तो ये जो भी डेटा है इसको आप एक बार ध्यान रखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज और डिक्रीज दिख रहा है और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है होल जो डब्ल्यू है चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो चाहे वो मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन हो उसमें कहीं ना कहीं लो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट ज़रूर दिख क्योंकि इस टाइम पर इंडिया में पिछले साल बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था अगर फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ फ्यूएल एंड पावर इन्फ्लेशन में देखने को मिला एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस इन टू द इंटरनेशनल मार्केट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से डीजल और पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में बढ़ रहा है तो अगर फ्यूएल एंड पावर इन्फ्लेशन की बात करें तो इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी पॉइंट नाइन फोर परसेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन्फ्लेशन इन द फ्यूएल एंड पावर सेगमेंट कैन बी एस्क्राइब टू द रिजिलिटी इन द इंटरनेशनल crude oil prices on the account of bright prospect for global oil demand, आउटलुक एंड अ लो बेस इफेक्ट सीधा सी बात है कि इंडिया को अगर हम छोड़ दें तो जो अदर इकोनॉमीज़ हैं इंडिया के जो काउंटर पॉइंट इकोनॉमीज हैं वो सब अब रिकवरी की पात पर आ चुकी हैं इंडिया भी अच्छी रिकवरी की पात पर होता है अगर ये सेकेंड कोविड वेव का इतना ड्रेस्टिक इम्पैक्ट या इतने ज़्यादा केसेस सर्ज नहीं होते अदर इकोनॉमीज़ में दे हैव एक्चुअली सक्सेसफुल मैनेज द कोविड नाइन्टीन इवन इन द वेरी फर्स्ट वेव और अब वो सब रिकवरी की स्टेज पर है और इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है इसका मतलब है जो भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको दिख रहा है कि आगे आने वाले पाँच से दस सालों तक ऑयल की क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने ही वाली है क्योंकि सारी इकोनॉमी रिकवरी की स्टेज पर है नाउ दे आर ग्रोइंग ओके तो इसकी वजह से डिमांड uh, जो आउटलुक है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डिमांड एंड बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट एज वेल तो एक्सपर्ट्स का भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि एक तो क्रूड ऑयल रिस्पॉन्सिबल है ये डब्ल्यू पी आई इन के लिए दूसरा जो अगर हम मैनुफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें पावर और इन्फ्लेशन तो फ्यूअल uh, में और पावर में जो इन्फ्लेशन है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस और द क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिख रहा है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉग रैली इन ग्लोबल मेटल प्राइस एंड स्ट्रेंदनिंग प्राइस पावर ऑफ मैनुफैक्चरिंग अगर आपको रिसेंटली पता हो तो स्टील सीमेंट इन सब के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ग्लोबल मेटल प्राइसेस जो uh, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द सीपीआई मॉडरेटेड टू 4.9 परसेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल इफ़ यू रिमेंबर जो कि अप्रॉक्सीमेटली फोर मंथ के हाई के बाद अप्रैल में डाउन हुआ था अगर आपको याद हो तो मार्च में मैं डिस्कस भी किया था मार्च में जो सीपीआई था वो 5.52 परसेंट था और ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ता है तो आरबीआई के पास बहुत कम विंडो होगी पॉलिसी कट के लिए लेकिन अप्रैल के मंथ में हमें फोर पॉइंट देखने को मिला था एज पर द डेटा रिलीज़ और हमने ये भी डिस्कस किया था कि नाव आर बी आई हैज़ ए रिलेटेड विंडो फॉर गोइंग टू द पॉलिसी कट हालाँकि कोविड की अगर सिचुएशन देखें तो हमें ऐसा बहुत ही इसमें कुछ पेक्यूलियर सीन्स देखने को मिल रहे हैं कोविड चाहे है वो फर्स्ट वेव रही हो चाहे वो सेकेंड वेव रही हो हमें सी और डब्ल्यू दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए कभी कभी दिख रहे हैं इन बीन अगर आप डेटा को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी दैट कि एक खाइन पे एट वन एंड डब्ल्यू पी आई बढ़ रहा है और अगर डब्लू पी आई बढ़ रहा है होल सेल uh, में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली डब सी पी आई में भी बढ़ना चाहिए बट ऑन द अदर एंड सी पी आई इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है तो इसके इसका रीज़न भी स्टॉकिंग uh, भी हो सकता है कि इंडिविजुअल जो हैं वो जो होल सेलर्स हैं वो स्टॉक कर रहे हैं उनको अनसर्टनिटी है उसकी वजह से भी प्राइस सी पी आई के डब्लू पी आई के जनरली बढ़ते हैं दूसरा कंज्यूमर जो है वो एक्चुअली अनसर्टन है अबाउट द डिमांड अबाउट द इकोनॉमी तो वो खर्च नहीं कर रहे हैं वो डिमांड नहीं है कंज्यूमर लेवल पर तो इसलिए भी सी पी आई जो है वो मिनिमम uh, होता हुआ दिख रहा है डब्लू पी आई में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण होर्डिंग्स के कारण इन सब रीज़न की वजह से डब्लू पी आई बढ़ रहा है मे बी दे आर मे बी अदर रीजनस ऑल्सो बट जनरली कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में ये कॉन्ट्राडिक्शन देखने को बहुत मिला है कि एक तरफ सी पी आई घट रहा है तो डब्ल्यू पी आई बढ़ रहा है एंड दिस इज़ द डब्लू पी आई इन्फ्लेशन रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस तो हम देख सकते हैं अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी में इट वॉज निगेटिव इसीलिए ये हमें इतना टेन पॉइंट फोर नाइन इतना हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट अगर ये यहीं कहीं होता तो शायद हमें इतना इंक्रीज़ हम ना कहते हैं कि इतना सिग्निफिकेंटली ग्यारह साल का सबसे हाई डेटा है बट लो बेस इफेक्ट के कारण हम ऐसा कह रहे हैं कि ग्यारह साल में सबसे ज़्यादा डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन डबल ट्रिजिट की इन्फ्लमेशन डब्लू पी आई ने अटेन करी है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स मोर मेजर्स इन द ऑफिंग आर रिसेंटली अगर आपको पता हो तो आर ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया था कि स्पेशल विंडो क्रिएट करी थी जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर पेशेंट जो हैं उनको लोन चीप लोन अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को एक विंडो क्रिएट करी थी और उस पर्टिकुलर लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी कैटेगराइज किया था इन ऑर्डर टू सपोर्ट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस दैट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर मंडे को आर बी आई ने फिर से इस पर्टिकुलर नोशन को रिट्रेट किया है और बोला है कि जो कोविड नाइन्टीन की जो सेकेंड वेव है उससे जो तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस बार वो ब्लू कॉलर इम्प्लॉयज़ को पड़ा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पड़ा है और जो स्मॉल स्केल जो बिजनेस हैं उनको पढ़ा तो दे हैव बीन एक्चुअली हार्डे हार्डेस्ट हिट बाय दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है ब्लू कॉलर एम्प्लॉय तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा व्हाट इज़ ब्लू कॉलर एम्प्लॉय व्हाट इज़ व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय एंड व्हाट इज गोल्डन कॉलर एम्प्लॉयज़ तीन टर्म्स से जो जनरली हम यूज़ करते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दीजिए एंड स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू राइट इन टू योर ओन वर्ड्स डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम एनी वेबसाइट यू वॉट यू पीपल डू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट सो डोंट डू दिस रीड फ्रॉम द वेबसाइट यू कैन रीड इट और रीड यू कैन रीड फ्रॉम एनी ओपन सोर्स बट ट्राई टू राइट इन् टू योर ओन वर्ड्स एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंस आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और अगर आपको लगता है फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप बुलेट्स के फॉर्म में लिख दीजिए बट ट्राई टू राइट इन टू योर ओन वर्ड्स तो रिसेंटली जो मे के मंथ में स्टेट ऑफ इकोनॉमी की आर बी आई की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें भी आर बी आई आर बी आई ने कहा था कि इट्स ग्रोथ नंबर माइट हैव टू बी री विजिटेड एट द सेंट्रल बैंक्स रियल जी डी पी ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू परसेंट नीड्स टू बी रिवाइज इन टू द गि सिचुएशन आर बी आई का जो प्रोजेक्शन था दो हज़ार बाईस के लिए वो छब्बीस परसेंट तक का ग्रोथ प्रोजेक्शन किए थे रियल जी डी पी के टर्म्स में तो जो रिसेंटली स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट मे में पब्लिश हुई थी मेगा बुलेटिन होता है आरबीआई का उसे स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट बोलते हैं मंथली पब्लिश होता रहता है तो उसमें कहा था कि आरबीआई इज़ ऑल ओवर ट्राइंग टू रिविजिट द रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो कि 26 परसेंट तक किया था उसको आर रिविजिट करेगी बट कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा सा क्लियर होने के बाद में क्योंकि अभी आर और बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हालाँकि लॉक लोकलाइज जो लॉकडाउन हुए हैं उसका इम्पैक्ट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर दिख रहा है अगर हम बात करें ई वे बिल जनरेशन वो भी डाउन हुआ है ट्रक रेंटल की बात करें तो वो भी डाउन हुआ है ट्रैफिक अगर हम बात करें तो ट्रैफिक भी डाउन हुआ है कंज्यूमर की जो डिमांड्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डाउन हुई है तो ऐसा नहीं है कि लोकलाइज लॉकडाउन का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा बट कोविड 19 की फर्स्ट वेव के अकॉर्डिंग जो जैसा इम्पैक्ट देखने को मिला था शायद वैसा इम्पैक्ट ना हो क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इस बार किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ने अडॉप्ट नहीं किया या इंप्लीमेंट नहीं किया तो आर uh, बी का कहना है कि दैट्स uh, जो फुल रिजलेंस हो जाएगा इसके बाद आर विल बी एबल टू एक्चुअली चाक आउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन Uh, nevertheless, the resilience of COVID 19 has dented but not debilitated the economic activity as per the RBI in the first half of the quarter one financial year 22. आर भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ऑप्टिमिस्ट नहीं है बट इतनी ज़्यादा निगेटिव उसमें भी नहीं है थॉट में आर कर का कहना है कि इस बार जो इम्पैक्ट होगा उतना डेबिलिटेटिंग नहीं होगा लॉस ऑफ मोमेंटम तो देखने को मिलेगा इंटर इकोनॉमिक रिकवरी बट इट विल नॉट और इट मे नॉट बी एज सिवियर एज इट वॉज इन कोविड नाइन्टीन फर्स्ट वेव ऑल दो आर बी आई ने रिकगनाइज़ किया कि हेल्थ सेक्टर स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ब्लू कॉलर इम्प्लॉयज वर हाईली और वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस कोविड नाइनटीन सेकेंड वेव एंड द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर म्यूनिसिपल पर्सन एंड इंडिविजुअल सीकिंग आउट डेली लाइवलीहुड तो उनके लिए आर बी आई ने बोला कि डेफिनेटली आर बी आई फॉर दीज टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल आर बी आई विल गो फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन एंड देर इज़ मोर वर्क्स नीड टू बी डन तो आर बी आई प्रॉपरली हम ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि शायद आर बी आई फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में कुछ और मेजर्स लेकर के आए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए म्यूनिसिपल पर्सनल लॉ एंड ऑर्डर पर्सनल्स के लिए और जैसा कि रिसेंटली पचास हज़ार करोड़ का पैकेज की अनाउंसमेंट करी थी स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ केयर सेक्टर और उसमें जो भी लोन्स थे उनकी भी रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी गई थी और ऐसा कहा था आरबीआई ने कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा सो एज़ पर द आर बुलेटिन जितने जो वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है आर ने ये भी प्रोजेक्शन दिए हैं कि रिजरवेंस के बाद एक क्लियर जो रिविजिट होगा जीडीपी नंबर्स को लेकर के वो किया जाएगा आर बी आई विल रिवाइज द नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आर बी आई इज़ गिविंग प्रायोरिटी टू दोज हु आर वर्स्ट अफेक्टेड बाई दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन एंड आर बी आई में बी कमिंग विद द न्यू इकोनॉमिक मेजर और द रिलीफ ऑफ पैकेजेस ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन इन फ्यूचर मोर स्पेसिफिकली फॉर दिस सेगमेंट अब देख लेते हैं समाधान ओएनजीसी ओ एन जी सी ईरान ओएनजीसी की ईरान में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है जिसको विदेश के फॉर्म है लिमिटेड के फॉर्म में ओ एन जी सी ने एक फील्ड डिस्कवर की थी जियान गैस फील्ड डिस्कवर की थी इन दसी ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में uh, और उस में इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रॉक्सीमेटली ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड तैयार थी कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर के जो भी पार्टनर है ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड के जिसको हम शॉर्ट में ओ वी एल भी बोलते हैं ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड को तो ओ वी एल ने अपने पार्टनर्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली ग्यारह बिलियन डॉलर के लिए ऑफ़र किया था उस पर्टिकुलर गैस फील्ड में इन्वेस्टमेंट को और ईरान की गवर्नमेंट से कहा था कि वी आर रेडी टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली डॉलर इलेवन बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ द डिस्कवरी दैट इज़ लेटर नेम्ड एज फराज बी फराज बी आप याद रखेंगे मे बी किसी एग्जाम में पूछा सके फराज बी तो बेसिकली रिलेटेड टू द डिस्कवर्ड फील्ड ऑफ ओ एन जी सी इन ईरान एंड लेटर एन आई ओ सी

ऑफ़ इन प्लेस गैस रिजर्व तो 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस इन प्लेस गैस रिजर्व है जिसमें से 60 परसेंट ईजिली रिकवरेबल है तो इसीलिए लिए ओ एन जी सी वॉज वेरी कीन फॉर इन्वेस्टिंग डॉलर इलेवन बिलियन विद इंडियन कॉन्सोशन इन टू दिस फेल बट ऑन मंडे ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड लॉस्ट दिस पर्टिकुलर टेंडर After Iran awarded a contract for developing the जियान gas field to a local company. और अभी तक अगर हम बात करें इंडियन कॉन्सटोशियम की डिस्कवरी प्रोसेस एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टोशियम हैज़ सो फार इन्वेस्टेड अराउंड डॉलर फोर हंड्रेड मिलियन इन दिस ब्लॉक. तो ये बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए भी और ओएनजीसी विदेश के लिए भी कि उसकी हाँ से इतनी इम्पॉर्टेंट फील्ड निकल गई और वो उसको लोकल कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अब इसमें बहुत सारे जियो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज़ इट लुक्स ये जो न्यूज़ है ये इतनी सिंपल नहीं दिख रही जितनी है कि बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सीन्स कई बार इ, इंडिया ने ईरान को सपोर्ट नहीं किया बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सारे सेंक्शन के अगेंस्ट में तो ईरान ने हम ये कह सकते हैं कि इंटेंशनली इंडिया को ये फील्ड एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं दी आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप वैल्यूएशन ऑफ आई टी कंपनीज वे अबव अर्निंग ग्रोथ ट्रेंड तो जो भी अर्निंग ग्रोथ ट्रेंड है कंपनीज का अगर हम उसकी बात करें जो प्रोजेक्शंस हैं उनकी बात करें तो जो इंडिया की जो आई टी कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली अर्निंग एबव दैन द ग्रोथ ट्रेंड अगर हम इसको पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो हम ईजली देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर ब्लू बार इंडिकेटिंग द प्रोजेक्शन्स एंड दिस yellow or uh, orange bar indicating the real growth trend so india's top it companies have shown highest performance uh, even in this pandemic situations in terms of their earning and if we combine the market cap of top 5 it companies tata consultancy infosys vipro hcl technologies and tech mahindra it is up to 87% since the end of march 2020 ट्वेंटी तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये जितने भी टॉप फाइव आईटी कंपनीज हैं ये ग्रोथ ट्रेंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं इनकी अर्निंग्स वे अबव है जो ग्रोथ ट्रेंड चल रहा है नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड चल रहा है और जो टॉप फाइव आई कंपनीज़ हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करें पिछले मार्च से तो 87 परसेंट का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा देखा गया है अगेंस्ट 6.2 परसेंट नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 21 वन हाउवर इन कंट्रास्ट टू दिस टॉप आई टी कंपनीज वर लेगार्ड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन एंड दीज बिग फाइव आई टी कंपनीज अकाउंटेड फॉर नियरली नाइंटी परसेंट ऑफ द कम्बाइंड मार्किट कैपिटलाइजेशन ऑफ द ऑल लिस्टेड कंपनी इन ट आई टी सेक्टर तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाँच कंपनीज हैं दे आर बेसिकली डोमिनेटिंग द ग्रोथ टू ट्रेंड इन पैंडमिक सिचुएशन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप हॉस्पिटल्स टू गेट डी आर डी ओज एंटी कोविड ड्रग इन जून तो so मंडे को बेसिकली फर्स्ट बैच रिलीज किया गया है एंटी कोविड नाइन्टीन ड्रग जिसको टू डॉक्सी डी ग्लूकोज टू डी शॉर्ट फॉर्म में उसको टू डी के नाम से जान रहे हैं को बेसिकली लॉन्च किया गया है मंडे को एंड दिस पर्टिकुलर एंटी कोविड ड्रग इज डेवलप्ड बाई इंडीजीनियसली डेवलप्ड बाई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डी आर दो ऐसा ये कहना है कि जो डी uh, की जो एंटी कोविड की ड्रग जो डेवलप हुई है ये बेसिकली कोविड नाइन्टीन के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और जो ऑक्सीजन की डिमांड है ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी है पेशेंट में ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगी तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दिस ड्रग कुड बी द एंड कुड बी द की ड्रग और कुड बी द की स्टेपिंग स्टोन इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट इन केस ऑफ कोबिंग द कोविड नाइन्टीन इन इंडिया तो बेसिकली ये कोई वैक्सीन नहीं है कई बार इसको लोगों ने वैक्सीन भी कंसिडर किया इट्स नॉट अ वैक्सीन नीदर इट इज़ अ प्रिवेंटिव ड्रग ये एक ओरल ड्रग है जो कि कोविड के पेशेंट्स को दी जाएगी जिससे कि उनका जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो इम्प्रूव करेगा जो उनकी डिपेंडेंसी ऑक्सीजन में हो जाती है वो कम होगी या हमें कह सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा इससे ओवरकम कर ही जा सकती है क्योंकि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम होगी तो सिलेंडर की डिमांड कम होगी तो ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट जिनको सच में ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ पर उसको यूज़ किया जा सकेगा तो दिस ड्रग इज़ एक्चुअली एक टर्निंग स्टोन के फॉर्म में कंसिडर हो सकता है ये ड्रग एक बिल्कुल गेम चेंजर के फॉर्म में आगे फ्यूचर में आए तो फिलहाल मंडे को ये ड्रग लॉन्च हो चुकी है और इसकी सप्लाई हॉस्पिटल्स में और जो मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली जून के मंथ तक अवेलेबल हो जाएगी एज़ पर द रीसेंट सोर्सेस आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप केन डिस्प्यूट गवर्नमेंट सीज नो थ्रेड टू प्राइटाइजेशन ऑफ ए तो के एनर्जी ने, ने, ने यू में जो केस फाइल किया था जहां पर उसने आई के एयर इंडिया के एसर्ट्स को सीज करने की बात करी थी और गवर्नमेंट एकदम तो प्रॉपर एक्शन मोड में आ गई थी कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से एआई के एसेट्स को सीज होना नहीं होने नहीं देना चाहती थी क्यों क्योंकि इससे डेफिनेटली जो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन है वो हॉल करेगा वो कई टाइम से प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस चल रही है एयर इंडिया का वो अभी तक प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाई तो गवर्नमेंट वॉज़ वेरी कीन टूवर्ड्स दिस एक्शन ऑफ केयर एनर्जी बट एज़ पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन और एज पर द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज नॉट सींग एनी थ्रेट टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया बिकॉज ऑफ द केयर डिस्प्यूट एज पर द टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल द सेल ऑफ द एयर लाइन टू अ प्राइवेट बायर विल डिफीट द केयर एनर्जीज क्लेम दैट इट इज लीगली इन डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द सोवेरियन तो जैसे ही वो बिकेगी ए आई वैसे ही केयर इंडिया का जो भी आर्ग्यूमेंट uh, है कि ये एक uh, सोवरेन फंड का असेट है तो वो इमिडिएटली नैलीफाई हो जाएगा और जो केस किया भी है के एनर्जी ने यू में वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा अगर बिडर्स की बात करें तो जो भी एयर इंडिया के बिडर्स हैं दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट लॉज तो एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ दैट इज़ रिप्रजेंटेशन एंड वारंटी क्लॉज इन एस पी एज़ पर दिस परटिकुलर लॉ रिप्रजेंटेशन एंड वारंटी क्लॉज द बिडर्स आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड और एयर इंडिया का जो भी प्राइवेटाइजेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं देख रही बिकॉज ऑफ केयर डिस्प्यूट और ऐसा कहा जा रहा है कि सेप्टेंबर तक अप्रॉक्सीमेटली जो फाइनेंशियल बिडिंग की प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगी इन केस ऑफ एयर इंडिया जो कि पहले जून में कंप्लीट होनी थी बट कोविड नाइन्टीन की वजह से वो फिर से डीले हो गई लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का कहना है कि सेप्टेंबर तक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कम्प्लीट द फाइनेंशियल बिडिंग प्रोसेस सो दैट्स ऑल फॉर टू स्टूडेंट्स and these are the answers of uh, yesterday news analysis Apse, uh, jo bhi, uh, best answer, honge, i will uh, post those answer into my analysis video but my, it's my humble request to every one of you please try to write into your own words and if you want lecture pdf you can join my telegram channel you can also follow me on twitter researchgate facebook and instagram and if you have any query and suggestion you can write it on comment section below please like share and subscribe thank you